और ये खून जा रहा है ऊपर। सो हे गाइस व्हाट्सअप, तो सब बढ़िया ना? तो लास्ट 3 महीने से अपना चैनल पे वीडियो आया नहीं है और आपको लग रहा होगा कि ये चैनल बना के गायब तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बेसिकली मैं कोई काम में फंसा हुआ था, कोई काम नहीं, बहुत मेजर काम में फंसा हुआ था लास्ट 3 महीने से। मतलब लास्ट 3 महीने से मेरा लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ। पता है आपको ये सब बोर हो रहा रहेगा बताने को, बट अब सुन लो कि ये पूरा सीन स्टार्ट हुआ जब मैं पैदा हुआ, तब इतना भी पीछे नहीं। तो पूरा ये सीन स्टार्ट हुआ जब मैं था 5th to 6th standard में। मेरा तभी चाचा पे इन्फ्लुएंस, जो मेरे राजन चाचा है वो आपको मालूम रहेगा अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखा रहेगा तो उनका इन्फ्लुएंस एकदम ज़्यादा था मेरे को। मतलब वो OT असिस्टेंट थे एक गायनेक के अंडर। तो मेरे को पहले से ऐसा था कि डॉक्टर बनना है। एंड मैं ऐसे वगैरह में भी वो कुछ तो बोलते हैं ना, व्हाट यू वांट टू बिकम, तो उसमें भी मैं डॉक्टर ऐसा लिखने का। तो ऐसा स्टार्ट हुआ, पहला डॉक्टर ऐसा जर्नी स्टार्ट हुआ। सो मतलब स्टार्टिंग से ही 10th, 11th, 12th जैसे आया वैसे मेरे को फिक्स था कि मेरे को डॉक्टर मतलब MBBS या फिर मेडिकल प्रोफेशन में ही घुसना है। तो आई स्टार्टेड विथ माई नीट प्रिपरेशन 12th हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, फिर उसके बाद ड्रॉप लिया। ड्रॉप ईयर इतना टफ ईयर रहता है ना हर एक एस्पायरेंट या फिर किसी लिए भी। मतलब उस टाइम पे इतना प्रेशर रहता है कि दिस इज़ द लास्ट चांस, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद ड्रॉप लिया, फिर उसके बाद वापस नीट दिया 2021 में नीट दिया। फिर उसके बाद सब काउंसलिंग वगैरह प्रोसेस हुआ और आई गॉट सिलेक्टेड फॉर BAMS बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी नासिक में। तो लाइफ जो चेंज हुआ है ना, कम्प्लीटली पूरा ऐसा रोलर कोस्टर राइड हो गया मेरे लिए। मतलब एक जो बंदा यहाँ पे मतलब मुंबई इन द सेंस रूरल अर्बन से रूरल एरिया में जा रहा है, उधर येवला गांव है, गांव है वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा एक फुल ड्रास्टिक चेंज होता है कि अर्बन वाला बंदा रूरल में जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ खुद के बारे में, सबको होता ही है कि वहाँ का पानी मैटर करता है, खाना मैटर करता है, बहुत चीज़ें मैटर करता था। बट जैसे कि अभी हम लोग गए हॉस्टल में, तो वहाँ का अडेप्ट करने को इतना टाइम लगता, मतलब 1-2 महीना तो लगता ही है। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे को बहुत सॉर्टेड लगता है हॉस्टल लाइफ, बट स्टार्टिंग में मतलब पेरेंट्स से दूर रहने का, फिर खुद के कपड़े खुद धोने के, मतलब जो बंदा अपना खुद का अंडरगारमेंट नहीं धोता है वो बंदा वहाँ पे अपने कपड़े धो रहा है, और खुद के यूटेंसिल्स वगैरह बहुत कुछ मतलब मैटर आ गया था अपने पास। और बाकी एडजस्ट किया हम लोग ने, मतलब अच्छे दोस्त, देखो हॉस्टल लाइफ में ना अच्छे दोस्त मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब रूममेट जो रहते हैं ना वही एंड तक आगे जाते हैं अपने। और फिर उसके बाद हुआ डाइसेक्शन। डाइसेक्शन के टाइम इतना फट रहा था ना, मतलब बॉडी कभी रियलिटी में बॉडी देखा हुआ है बट एक बॉडी पे डाइसेक्शन करना मतलब सबके बस की बात नहीं रहती। मतलब भाई बहुत लोग गिर जाते हैं, हमारे बैचमेंट्स में गिरे हुए 2-3 जन। तो डाइसेक्शन के टाइम भाई सर बोलते हैं कि बॉडी निकालो, भाई पहला ही एक्सपोजर है बॉडी का, और सर बोलते कि वो फॉर्मलिन के टब से बॉडी निकालो। तो कोई जा रहा नहीं था आगे, तो भाई तुम्हारा भाई मालूम है एकदम आगे करता है। तो भाई गए और उसके पीछे आए 4-5 जन। तो एक जन ने पकड़ा पैर, मैंने पकड़ा सर, भाई सर उठा रहा हूँ, सर उठ ही नहीं रहा है भाई, बहुत हेवी था क्योंकि वो बॉडी में था वाटर, फॉर्मलिन और वाटर का मिक्सचर रहता तो वो भर गया था उसमें, तो बॉडी बहुत हेवी था। सेक्शन के टाइम भाई बहुत मज़ा आया, मतलब लिटरली
जो एक्सपीरियंस करना था ना MBBS या फिर BMS मेडिकल प्रोफेशन में आके, वो एक्सपीरियंस आपको डाइसेक्शन के टाइम ही मालूम पड़ता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि एक बॉडी है और आप उस पर ऑपरेट ही कर रहे हो ना, इन शॉर्ट ऑपरेट ही कर रहे हो, आप उसको डाइसेक्ट कर रहे हो और उसमें उससे कुछ नया चीज़ सीख रहे हो। तो ह्यूमन बॉडी एक सही में बोलेगा ना तो मिरेकल ही है कि उसके अंदर के एक एक लेयर, एक के नीचे एक, लेग के नीचे एक, जब आप वो बॉडी डाइसेक्ट करोगे ना तब आपको समझेगा कि कितना मिरेकल है ह्यूमन बॉडी। तो आप फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में हीमोग्लोबिन, RBC वगैरह, फिर उसमें भी अलग ही मज़ा आता है, वो ब्लड सक करते करते ब्लड सक करने का, फिर उसमें उसका ये बनाने का, क्या बोलते हैं उसको, प्लेट क्या बोलते हो उसको, बोलते हैं याद नहीं आ रहा मेरे को, तो उसका स्मियर बनाने का, फिर उसी के साथ अभी अपना हीमोग्लोबिन का प्रैक्टिकल चालू है। तो ये अदिति कुलकर्णी मैम, तो अदिति कुलकर्णी मैम अभी प्रिक कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो अदिति कुलकर्णी मैम प्रिक कर रही है, यहाँ पे इनका मुंह का एक्सप्रेशन बदल चुका है। अरे पूरा साफ करो, हम ताड़ू देंगे। यहाँ पे ब्लड आ गया है, रुक रुक और ले टोचने में आड़ जी, और ये खून जा रहा है ऊपर। अदिति कुलकर्णी ने एक मस्त ले लिया है, ज़्यादा ही खींच लिया, और ये ब्लब क्या बना दिया उसका, फेक अभी। तो अगला सीन ऐसा था कि इसके बाद क्या, अब BMS में आ गए, कॉलेज शुरू हो गया, तो इसके बाद क्या सब ख़त्म, यूट्यूब वगैरह सब ख़त्म, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बस खुद को 2-3 महीना ये टाइम दे रहा था एडजस्ट होने को, वहाँ पे एडजस्ट होने को और वहाँ पे चीज़ें कैसी है वो समझने को। उसके बाद वीडियोस रेगुलरली आने वाले हैं, लिटरली आने वाले हैं, व्लॉग्स आने वाले हैं, और ये फुल्ली BMS शिफ्टेड कंटेंट ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वहाँ पे रहूँगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगा, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट ये मेडिकल फील्ड और BMS रिलेटेड ही होगा। सो गाइस, देखो सबके लाइफ में बहुत इससे भी गंदे ये आते हैं, डाइवर्जेंस आते हैं, पूरा एक ट्रेल बदल जाता है और एक रीजन टू रीजन बदल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रुक जाते हैं, पब्लिक रुकता नहीं है भाई, चलना पड़ता है, लाइफ का यही गेम है, तो हम भी चलेंगे। और बाकी मैं सच बताऊँ तो कुछ रिग्रेट नहीं है और खुद को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ इसमें आके, इस प्रोफेशन में आके, और थैंक यू पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, इतना मेंटली और फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट रहा था, पापा मम्मी सब ने, थैंक यू, और बाकी सारे टीचर्स, थैंक यू सो मच। इसके बाद आने वाले व्लॉग्स की बात करते हैं, तो आने वाले व्लॉग में है गणपति व्लॉग, फ्रेशर्स व्लॉग, गैदरिंग व्लॉग, और इसके बाद डेज का व्लॉग, 4 व्लॉग आने वाले लिटरली। गणपति का व्लॉग बहुत ही मस्त आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ने गणपति ऑर्गेनाइज किया था और वो कैसा था वो आपको अगले व्लॉग में मालूम पड़ेगा। फिर फ्रेशर पार्टी, लिटरली फ्रेशर पार्टी इतनी मस्त हुई थी कि सीनियर्स ने इतना मस्त फ्रेशर दिया था इस टाइम, इस साल का, कि भाई कड़क था, क्या एक्सपीरियंस था उसमें। हमारे टास्क होते बहुत खतरनाक थे, और इसके बाद आएगा गैदरिंग और डेज का व्लॉग, वो भी मस्त आने वाला है। तो इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहो और ग्रो करने में हेल्प करते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, और बाकी नेक्स्ट जो अभी बैच आ रहा है इस कॉलेज में, तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि मैं मातोश्री आसराबाई दराड़े कॉलेज का हूँ, आयुर्वेद कॉलेज का हूँ, SND आयुर्वेद कॉलेज। तो अगर बैचेस नए आ रहे हैं ना, तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगे आप कमेंट करो नीचे, तो उसमें आपको कमेंट्स आंसर रिप्लाई कर दूंगा मैं, कि कितना काउंसलिंग, कैसा क्या करने का है, काउंसलिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, और कॉलेज के बारे में अगर आपको कॉलेज लगता है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बाकी अच्छा चल रहा है, बाहर बारिश हो रही है, और अभी आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा मैं, तो वो डाइसेक्शन वगैरह का तो वीडियो आपको देख ही लिए रहेंगे आपने, तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, और आपसे अलविदा लेते हैं
और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लव यू गाइस. बाय बाय. थैंक यू.